ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। आज हम आपको प्रदेश के कोरोना संग्राम के उन योद्धाओं से रूबरू कराएंगे जिन पर सूबे के मुखिया त्रिवेंद्र सरकार ने की थी अधिक भरोसा, और क्या है उन योद्धाओं की प्रभारी बनने के बाद उनकी जिम्मेवारी का कड़वा सच, और बताएंगे कि आखिर क्यों अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं उत्तराखंड की ये मंत्री। 27 मार्च को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल को दो दो जिलों का प्रभार सौंपा था, मगर अब तक दोनों मंत्री केवल एक एक जिले में ही गए हैं। राज्य मंत्री रेखा आर्या भी अपने प्रभार वाले बागेश्वर का हाल जानने के लिए अब तक समय नहीं निकाल पाई है। कुछ मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों के प्रति उदासीन रुख अपना रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने एक ही दिन में रुद्रप्रयाग और चमोली की बैठकें कर डाली। एक दिन में बैठकें कैसे हुई होंगी इसका अंदाजा महज लगाया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मोबाइल कॉल, व्हाट्सएप के जरिए महाराज अधिकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने 30 मार्च को अफसरों संग प्रेमनगर आश्रम में बैठक की। उन्होंने हरिद्वार के लिए मिली 3 करोड़ रुपए की विशेष सहायता राशि का इस्तेमाल जन सुविधाओं और स्वास्थ्य जांच पर करने के निर्देश दिए। 3 अप्रैल को सुबोध उनियाल ने टिहरी जिला प्रशासन के साथ बैठक की। नरेंद्र नगर और टिहरी में ICU बनाने के निर्देश दिए। अपने स्तर से आटे के 500 बैग, मास्क और सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराने की बात कही, मगर उत्तरकाशी की समीक्षा के लिए सुबोध अभी नहीं गए हैं। कुछ समय पहले थोड़ी देर के लिए गए थे, उस दिन केवल स्टेट कंट्रोल रूम का दौरा करके लौट आए। दून में कौशिक की सक्रियता ज्यादा है, वो यहाँ बैठक कर चुके हैं और स्टेट कंट्रोल रूम का दौरा भी, जबकि US नगर उनके आने का इंतजार कर रहा है। दून में हुई कौशिक की बैठक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने की वजह से चर्चा में रही है। हरक पौड़ी में सक्रिय है। 31 मार्च को उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्लॉक अधिकारियों से भी अपडेट लिया। सभी एम्बुलेंस को चलते फिरते अस्पताल में तब्दील करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सख्ती से करने के निर्देश दिए। अरविंद पांडे बीते 30 मार्च को बारी बारी से अपने दोनों जिलों की बैठकें कर चुके हैं। हालांकि इन बैठकों में कोरोना को लेकर किसी भी तरह की कोई नई योजना शुरू नहीं की गई है। पिथौरागढ़ के जिला अधिकारी डॉक्टर VK जोगंदड़े और चंपावत के जिला अधिकारी SN पांडे के अनुसार प्रभारी मंत्री कोरोना को लेकर प्रशासन से नियमित संपर्क में हैं। रेखा आर्या बागेश्वर की प्रभारी मंत्री हैं, उनकी अभी कोई बैठक नहीं हुई है। DM ने बताया कि प्रभारी मंत्री फोन से रोजाना कोरोना को लेकर बागेश्वर की स्थिति पर उनसे और अधिकारियों से संपर्क कर रही है। नई व्यवस्था के तौर पर बागेश्वर जिले में गर्भवती के साथ ही धात्री महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों की बजाय आंगनबाड़ी वर्करों के जरिए पुष्ट आहार की होम डिलीवरी भी कराई जा रही है। प्रभारी मंत्री यशपाल आर्या ने बीती 30 मार्च को ही हल्द्वानी सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह ने बताया कि प्रभारी मंत्री को हर रोज कोरोना की अपडेट दी जा रही है। इसके अलावा आर्या ने शनिवार यानी 4 अप्रैल को अल्मोड़ा में अधिकारियों के साथ बैठक की। अब इन प्रदेश के महानायक जनप्रतिनिधियों की क्या यही जिम्मेदारी है कि ऐसे विषम परिस्थिति में सिर्फ कहने के लिए तो वह अपने जन समर्थकों के साथ हैं। अब इन पर सवाल उठते हैं कि क्या पिछले 23 मार्च 2020 से लेकर आज तक यानी कुल 15 दिनों में ये प्रभारी मंत्रियों ने सिर्फ अपने प्रभार क्षेत्रों महज एक एक बार ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, तो क्या यही है इन महानायकों की कोरोना जैसी जानलेवा व घातक महामारी से लोहा लेने का, यही है कोरोना संग्राम, और यूं काबू कर पाएंगे कोरोना महामारी से, जो अपने आप में एक सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रमिक मंत्री।